तो बहुत लंबी चौड़ी स्पेशियस गाड़ी दिखती है। मतलब 6 फीट वाला अगर बंदा यहाँ पे अगर खड़ा हो, यहाँ पे देख लो बड़े बड़े हेक्सागोनल ग्रिल आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ, जगह जगह क्रोम फिनिशिंग, मतलब क्रोम फिनिशिंग अगर बोलते हो, स्कॉर्पियो सिस्टम मिल जाती है, महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम की क्रूज कंट्रोल हो, फाइल वगैरह सब हो, यहाँ पे रिज्यूम वगैरह करने के लिए बटन हो, लॉक अनलॉक के लिए बटन हो, फोन कॉलिंग हो, महिंद्रा के लोग चुका हूँ महिंद्रा शोरूम में कोल्हापुर में, और यहाँ पे देख लो सामने खड़ी है 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन जिसको कहते हैं ना, बड़ी चौड़ी लंबी मस्कुलर जो गाड़ी है वो आज बहुत ही सबसे ज्यादा मशहूर है। ये नए लोगों के साथ महिंद्रा का आप देख सकते हो, ग्रे कलर में आती है। हेलो भाई मैं ओमकार, यहाँ पे देख रहे हो स्कॉर्पियो एन 2.2 लीटर जो एमहॉग डीजल इंजन देख सकते हो, 175 bhp छोड़ती है और आर्मी ग्रे कलर में मिल जाती है। मतलब ये जो कलर है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, लिखा हुआ है कमेंट करके बता देना। यहाँ पे जो है वो क्रोम की हाईलाइट यहाँ पे देख सकते हो, और जो गाड़ी मस्कुलर दिखती है ना वो आगे से दिखती है, इतनी लंबी चौड़ी स्पेसियस। और पुराने वाली स्कॉर्पियो से अगर बात करते हो तो पूरी की पूरी अर्बन जो है वो क्लासी डिजाइन वाली बना दी गई है। स्कॉर्पियो क्लासिक की इसके कंपैरिजन हो ही नहीं सकता क्योंकि पूरा का पूरा डिजाइन एलिमेंट ही चेंज हो जाता है। डे टाइम लर्निंग एलईडी लाइट्स मिल जाते हैं, सिंगल प्रोजेक्टर यहाँ पे मिल जाता है अपर और डिपर, यानी कि प्रोजेक्टर जो है वो यहाँ पे HID डाल दी गई है। LED की स्ट्राइप यहाँ पे आप देख सकते हो, टॉप एंड वेरियंट नहीं है, बीच वाला वेरियंट यहाँ पे आपको आप देख रहे हो। यहाँ पे फॉग लाइट को DRL यहाँ पे कंपनी ने डाल दिए गए, सिंगल फॉग लाइट यहाँ पे आता है यूनिट और वो भी DRL, यहाँ पे LED जो है फॉग लैंप यहाँ पे मिल जाते हैं, सिंगल LED फॉग लैंप, यहाँ पे सिंगल प्रोजेक्टर के साथ HID लाइट्स आपको मिल जाती है और यहाँ पे डे टाइम लर्निंग जो है वो आपको LED सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे देख लो बड़े बड़े हेक्सागोनल ग्रिल आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ, जगह जगह क्रोम फिनिशिंग, मतलब क्रोम फिनिशिंग अगर बोलते हो स्कॉर्पियन को ना, आगे से देख लो कितनी मस्कुलर सी दिखती है। और ये क्रोम फिनिशिंग के साथ यहाँ पे जो आगे जाते हैं ना, मतलब थर्ड पार्टी आते थे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन, लेकिन आजकल मार्केट में कंपनियां भी मतलब रियलिटी में आ गई है, जो देख रहे हो ना क्रोम फिनिशिंग वो अच्छे खासे मजबूत आपको आगे और पीछे देख सकते हो महिंद्रा के एक लोगों के साथ, बहुत ही स्पेशियस आपको यहाँ पे दिखता है, इतनी अच्छी क्लासिक गाड़ी देखती है। यहाँ पे टायर प्रोफाइल की बात करते हो तो 216 की टायर प्रोफाइल आपको XUV700 में मिल जाती है, वही की वही सिमिलर टायर प्रोफाइल जो है वो आपको स्कॉर्पियो एन में मिल जाती है, यानी कि थोड़ी सी 1 इंच आपको कम कर दी गई है, 255/60R18 वहाँ पे 256/60R18 XUV700 में आपको मिल जाती है, 108 यहाँ पे नंबर ब्रांडिंग लिखा है, लेकिन कितने बड़े चौड़े अच्छे खासे जो है वो ऑल टेरेन टायर यहाँ पे वॉन्डर के आप MRF के देख सकते हो, मस्त खासे दे दिया गया। और ऑफ रोडिंग टेरेन टायर यार, यहाँ पे जो वेरिएंट देख रहे हो ना, टू व्हील ड्राइव जो ऑप्शन के साथ यहाँ पे वेरिएंट देख रहे हो, यानी कि इसका जो अगर बात करते हो ऑफ रोडिंग की, तो ये ऑफ रोडिंग कैपेबल भी हो सकता है क्योंकि गाड़ी को देखते ना क्लासिक डिजाइन के साथ अर्बन जो है वो अर्बनिश जो है वो क्वालिटी यहाँ पे जो देख सकते हो, और सिटी ओरिएंटेड थोड़ी सी बनाई गई है, मतलब जो देसी हुआ करती ना स्कॉर्पियो पहली आई थी क्लासिक स्कॉर्पियो, अभी भी वो जो है वो मार्केटिंग बरकरार है, महिंद्रा ने जो है स्कॉर्पियो क्लासिक भी अभी भी स्टिल बरकरार रखी है इस कंपनी में, स्कॉर्पियो क्लासिक महिंद्रा की मिल जाती है। आर्मी ग्रे कलर में यहाँ पे स्कॉर्पियो एन पूरी की पूरा नया सेटअप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ी सी ना अगर विड्थ यहाँ पे विड्थ में ज़्यादा फोकस नहीं किया है, लेकिन अगर साइड प्रोफेशनल की तरफ मैं जाता हूँ तो साइड प्रोफेशनल कितना मजबूत, बिग डैडी जिसको कहते हैं ना, बिग डैडी जो टैग लाइन है ना वो आपको यहाँ से तो नहीं आएगा, यहाँ से अगर प्रोफेशनल ऊपर जाता है ना, अच्छी खासी आपको लंबी चौड़ी यहाँ पे मिल जाती है। और अगर ऊपर वाला बात करते हो यार, मतलब मेरी एवरेज हाइट यहाँ पे, मैं यहाँ पे टेक पा रहा हूँ और ऊपर आप देख सकते हो कितनी उठाई गई है गाड़ी, कितनी मुश्किल है, मतलब स्कोर यार इसका सीधा अराइवल हो नहीं पाता, ये गाड़ी 24-25 लाख में ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर फॉर्च्यूनर की बात करते हो तो फॉर्च्यूनर तक हाइट उसके ऊपर आपको मिल जाती है, यानी कि मैं 5'7" हाइट वाला हूँ, इंडियन एवरेज हाइट वाला, यानी कि ऊपर आपको उठा दी गई है, बहुत ही ज़्यादा लंबी चौड़ी आपको गाड़ी मिल जाती है। यहाँ पे अगर साइड प्रोपोर्शन की बात करते हैं, 1 सिंगल रिक्वेस्ट सेंसर आता है, क्रोम की हाईलाइट जगह दी गई है, यहाँ पे एक जो है वो सिंगल डोर गार्निश यहाँ पे क्रोम के साथ आप देख सकते हो, सिंगल जो है वो स्ट्राइप यहाँ तक जा पाता है, एड्रेनोप्स की वही सिमिलर XUV700 में जहाँ पे बेजिंग देखने को मिलती है वैसे आपको स्कॉर्पियो एन में मिलते हैं। LED डे टाइम रनिंग लाइट जो है वो वैगनॉर की याद दिलाते हैं, ऐसे कहोगे आप लेकिन वैगनॉर ये कहीं पर भी नहीं दिखती। अगर इंजन की बात करते हो तो महिंद्रा का न्यू लोगो आप देख सकते हो, स्कॉर्पियो एन की बेजिंग यहाँ पे जो है वो डीलर का जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, सिंगल जो है वो
वाइपर के कंट्रोल की यूनिट मिलता है, डीफॉगर यहाँ पर रियर में मिल जाता है, अच्छा खासा वेंटिलेशन दे देता है और गर्म करके आपको क्लीन क्लियर विजिबिलिटी दे पाता है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर, यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल रिफ्लेक्टर, अगर ब्रेक डालते हो दबाते हो तो प्रेस करने के बाद ये लाइट जलती है। सिंगल रिवर्स की यहाँ पे जो है ब्रेकिंग लाइट दे दी गई है, ब्रेकिंग लाइट्स यहाँ पे है, रिवर्स लाइट यहाँ पे है और इंडिकेशन वार्निंग आपको मिल जाती है। स्कॉर्पियो एन बड़ा बड़ा सा लिखा था, और जो टर्बो यूनिट है ना, मतलब जो मकड़ी होती है पर्सनली, उससे इंस्पायर्ड ये गाड़ी है स्कॉर्पियोन। मतलब ये जो एन है वो बीच में जगह नहीं है, स्कॉर्पियो नहीं लगता है। मतलब जो गाड़ी की स्ट्राइप है स्कॉर्पियोन, थोड़ी सी मुझे लगता है बस्क्यूलर करते तो अच्छा होता, लेकिन ये जो है स्टिल कंपनी ने बरकरार रखी है। टर्बो वेरियंट जैसे होता है ना वैसे एन लिखा है, जगह जगह आप लाल इंसर्ट देख सकते हो कंपनी की ब्रांडेड, जहाँ पे जो नंबर प्लेट आते हैं वहाँ पे स्कॉर्पियोन जगह जगह दे दिया है। आर्मी ग्रे कलर यहाँ पे इतना मशहूर नहीं, लेकिन व्हाइट कलर में इतनी सबसे मतलब प्रैक्टिकल दिखती ना ये गाड़ी। ORVM देख लो, इतने बड़े चौड़े, मतलब लैंड क्रूजर LC होती है ना वही याद दिलाती है गाड़ी। मतलब यहाँ से आगे से साइड प्रोपोर्शनल में बात करते हो तो बहुत लंबी चौड़ी स्पेशियस गाड़ी दिखती है। मतलब 6 फीट वाला अगर बंदा यहाँ पे अगर खड़ा हो तो काफ़ी ऊंची दिखती है। मतलब यहाँ से सीधा वो प्रोपोर्शनल ऐसे जाके ऊपर जा पाता है। यहाँ पे सिंगल जो है वो स्ट्राइप यहाँ पे डोर गार्निश की देख सकते हो, रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे दे दिया गया है, क्रोम फिनिशिंग यहाँ पे कर दी है। और जो ये वेरिएंट है ना, मतलब बहुत सारे बंदों ने एक स्कॉर्पियो एन उठाई लेकिन इस कलर की तरफ ध्यान नहीं दिया, मेरे को सीरियसली बोलना है मेंटेनेंस फ्री कलर है ग्रीन कलर। अगर फंगस वगैरह लगती है ना तो भी फंगस नहीं दिखेगी इसको, डस्ट पार्टिकल तो दिख जाएंगे क्योंकि डार्क कलर जितना होता है उतना मेंटेनेंस मांगता है वो। और यहाँ पे जो है वो डायनेमिक स्वाइप इंडिकेटर के साथ आता है। बीच वाला वेरिएंट है ये, टॉप एंड वेरिएंट होता है L4 जो है वो डीजल 2.2 लीटर, तो अच्छा खासा होता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हो तो XUV700O से प्रैक्टिकल, मतलब जो सिटी ओरिएंटेड, ये जो XUV700O देख रहे हो ना आप, तो ये जो गाड़ी है वो थोड़ी सी आपको जो है वो ऑफ रोडिंग कैपेबल के लिए डाल दी गई है। मतलब उस फील्ड में जाती है गाड़ी, यानी कि आपको हाईवे टेरेन हो, ऑल टेरेन हो, अगर आपको ऑफ रोडिंग थोड़ा बहुत करना हो तो टू व्हील ड्राइव हो भी। अब ये जो आप वेरिएंट देख रहे हो टू व्हील ड्राइव, आप जो है वेरिएंट देख रहे हो, विड्थ देख लो टायर प्रोफाइल की, ऑल टेरेन टायर आते हैं टू व्हील ड्राइव को भी, और जो है MRF के वंडर के, और जो अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है। मतलब 6 बंदे अगर प्रैक्टिकल बिठा दिए जाए ना, अच्छे खासे हट्टे कट्टे फिजिक वाले, तो भी आपको ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा खासा मिलता है। फ्यूचरिस्टिक देखने को आपको मिलता है। अगेन अंदर जाके मैं गाड़ी की बात करता हूँ, यहाँ पे अंदर मैं गया, अंदर गाड़ी देख लो कितनी बड़ी स्पेशियस गाड़ी है यार, मतलब जबरदस्त गाड़ी दिखने वाली है। अंदर अगर बात करते हो तो ग्रैब हैंडल अगेन आपको मिलता है, इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी को अंदर जाने के लिए आपको फुटरेस्ट की एक जरूरत पड़ती है, पैर रखो और अंदर जाओ राजे जैसे फीलिंग आती है। मतलब अंदर चढ़ते हुए ये देख लो, मैं अंदर चढ़ा, यहाँ पे देख लो कितनी स्पेशियस और प्रैक्टिकल ये गाड़ी है। सबसे मुझे एक अच्छी चीज लगी, एडवांटेज जो लगा इस गाड़ी में, ये जो इंटीरियर है ना, महिंद्रा ने पूरा प्लेटफॉर्म ही चेंज कर दिया, गाड़ी की पूरी टोटल हिस्ट्री ही चेंज कर दी। ये स्कॉर्पियो पहले वाली स्कॉर्पियो होती है वो मतलब हट्टी का सही मस्कुलर लगती है, उससे भी ज्यादा मस्कुलर ये लगती है, लेकिन विड्थ में ज्यादा फोकस नहीं किया, चौकोन स्क्वायर स्क्वायर डिजाइन एलिमेंट्स बना दिए, जगह जगह आपको स्क्वायर स्क्वायर नजर आएंगे, क्रोम एलिमेंट यहाँ पे है। लेकिन XUV700 बोलते हैं ना वो जो फैमिली बरकरार होती है, वैसे की वैसे नहीं यार, पूरा का पूरा पैटर्न ही चेंज है। यहाँ पे 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है वो CVT के साथ आती है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। बीच वाला वेरिएंट आप देख रहे हो कीलेस एंट्री यहां पे, फिलहाल वही एंट्री जो है वो अभी ये स्कॉर्पियो की जो है ना की नहीं है, महिंद्रा XUV700 की वही सिमिलर सी की मिल जाती है सभी के सभी गाड़ियों में आपको। यहां पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग इंसर्ट है, म्यूट वगैरह करने के लिए बटन है, 6 जो है वो 7 इंच के ऊपर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है, महिंद्रा का लोगो मिल जाता है यहां पे इंफोटेनमेंट सिस्टम की, क्रूज कंट्रोल हो, फाइल वगैरह सब हो, यहां पे रिज्यूम वगैरह करने के लिए बटन हो, लॉक अनलॉक के लिए बटन हो, फोन कॉलिंग हो, महिंद्रा के लोगो नया यहां पे ब्रांडिंग, यहां पे XUV700 को आगे जो स्टीयरिंग व्हील का यूनिट देखते हो ना, महिंद्रा की ब्रांडिंग जरा बड़ी मिलती है, यहाँ पे थोड़ी सी छोटी मिलती है, यहाँ पे हो डी क्रोमिंग की हाईलाइट हो, बहुत ही अच्छी स्पेशियस कर दिया। और विजिबिलिटी जो बोलते हो ना स्पीडोमीटर को, पूरा पूरा हाफ एनालॉग, यहाँ के बीच में स्क्रीन आती है, फिलहाल तो यहाँ पे मैं ऑन कर देता हूँ, ये देखो बीच में जो स्क्रीन आती है यहाँ पे लिख के आता है बड़ा बड़ा सा, ब्रेक पे फीट रखो और गाड़ी स्टार्ट करो, क्योंकि यह 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, रिवर्स को पकड़ के 7 गियर हो गए और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, यहाँ पे M और D डाल सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा ये गाड़ी को रगेड बनाने की कोशिश की है, मस्कुलर बना के, हालांकि इस गाड़ी को 100 के ऊपर दौड़ाते हो और ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत करते हो कंफर्टेबल फीलिंग आती है, लेकिन आपको जो XUV700 ऑफर करती है ना, जो ग्रंट ऑफर करती है, जो जो बोलते हैं उसको रोड स्पेस ऑफर करती है, अच्छा खासा
चिपक के चलती है, वो आपको इसमें नहीं मिला। थोड़ा बहुत बॉडी रोलिंग मिलेगा और इतनी ऊंची बढ़ा दी गई यार, थोड़ा बहुत बॉडी रोलिंग तो होना ही चाहिए। और वो मज़ा आता है, और स्कॉर्पियो एन को देख के राजे जैसी फीलिंग आती है। और सच्ची में बोल रहा हूँ, स्कॉर्पियो एन जो है ना, वो एक्सयूवी डबल सेवन डबल ओ जैसी ही फीलिंग आ रही है मुझे बैठ के, लेकिन थोड़ी सी ऊंची लग रही है, मतलब बड़ी लग रही है प्रैक्टिकल अगर बात करें तो। क्रोम की हाईलाइट है यहाँ पे, डिफॉगर रियर पर आपको आगे पीछे करने के लिए, ऑटो में जो आपको बटन मिलता है देखने को, क्रोम फिनिशिंग आप जगह जगह देख सकते हो। मिरर यार, विजिबिलिटी जो बोलते हैं ना अच्छी खासी, एलसी लैंड क्रूजर में मिरर नहीं होते वैसे की वैसे, आपको ORVM आपको मिल जाते हैं। पियानो ब्लैक फिनिशिंग जगह जगह दे दी गई है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग, डी क्रोमिंग की हाईलाइट और जबरदस्त कर दी गई है। एसी विंड स्क्वायर स्क्वायर से आते हैं, अच्छी खासी आपको कूलिंग रिलैक्स कर देती है गाड़ी, दो तीन मिनट में गर्मी भी खड़ी हो तो भी कर देती है। हैंड ब्रेक एक मिल जाता है यहाँ पे, सिक्स स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देख सकते हो। और यही क्रोम पन्नी अगर मैं हटाता हूं ना, क्रोम की हाईलाइट यहाँ पे भी देख सकते हो, थोड़ा बहुत डस्ट पार्टिकल लगे हुए क्योंकि शोरूम में गाड़ी सेवन सीटर ये प्रैक्टिकल व्हीकल आता है। और बड़ा अच्छा खासा स्पेशियस है यार, लेदर फिनिशिंग देख लो, नापा का लेदर नहीं आता है, कापा का लेदर नहीं, स्कॉर्पियो का महिंद्रा का पर्सनली मैन्युफैक्चर्ड जो है वो लेदर जो आता है, कवर नहीं है, लेदर रैप फिनिशिंग कर दी गई है, स्पेशियस लगती है। और कॉफी कलर में थोड़ा सा सॉफ्ट टच मटेरियल देने की कोशिश की है ना महिंद्रा ने, काफी अच्छी की है। फाइल अगर चेंज कर सकते हो यहाँ पे चेंज कर सकते हो, यहाँ पे अगर मैं वन टच डालता हूँ स्टार्ट स्टॉप बटन करने के लिए, यहाँ पे आपको इंजन बटन मिलता है, यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप आप कर सकते हो, गाड़ी चालू हो जाती है। यहाँ पे एक फिलहाल ऐसी महिंद्रा की आपको दे दी गई है। पार्किंग के सेंसर आते हैं, ये बीच वाला वेरिएंट है, कोई ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह नहीं मिलता, जो है वो 2.2 लीटर एमोक डीजल इंजन मिलता है आपको, जो 175 bhp छोड़ता है। और टॉर्क भरा पड़ा है यार गाड़ी का अच्छा खासा, आपको 2,500 rpm में टॉर्क मिल जाता है, 200 न्यूटन मीटर के अंदर, 230 न्यूटन मीटर के अंदर आपको टॉर्क मिल जाता है। यहाँ पे अच्छा खासा आपको स्पेस मिलता है। ग्लो बॉक्स की अगर बात हो तो ग्लो बॉक्स ठीक ठाक आपको ऑफर करती है, बड़ी है। लेंथ वाइज अगर बात करते हो तो ग्लो बॉक्स बड़ा है, विड्थ वाइज इतना खास नहीं है। क्रोम हाईलाइट आप देख सकते हो। और ऊंची रोड प्रेजेंस आपको चाहिए होना तो मस्त लगता है जब ड्राइवर सीट में आप बैठते हो तो। अभी पीछे आता हूँ मैं, ये फुटरेस्ट में अगर आप, मैं पीछे आता हूँ ना तो पीछे आपको ऐसे स्पेस यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे अंदर मैं आता हूँ तो बहुत ही अच्छा खासा आपको होल्ड करके रखती है। सेवन जो है वो सेवन पैसेंजर का प्रैक्टिकल व्हीकल है, अगर मैं इसके अंदर चढ़ता हूँ और यहाँ पे बैठता हूँ तो एक्सयूवी सेवन डबल ओ में जितना स्पेस मुझे पीछे मिला उतना यहाँ पे प्रैक्टिकल पीछे नहीं स्पेस मिला, लेकिन बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी दिखती है देखने को आपको अगेन मिलती है। यहाँ पे लाइट में चालू करता हूँ फिलहाल, एक अच्छी बात है दोनों के दोनों लाइट्स आपको व्हाइट लाइट्स मिल जाती है यहाँ पे। पीछे अगर बात करते हो तो रियर एसी विंड्स मिल जाते हैं, लेदर रैप फिनिशिंग मिल जाते हैं, 60-40 बेंच फोल्ड सीट्स आप देख सकते हो। एक्सयूवी में जो फीलिंग आती थी ना, थोड़ा सा प्रीमियमनेस की, थोड़ी सी सिटी ओरिएंटेड लगती, वैसे ये गाड़ी उल्टी है, थोड़ी अर्बनिश मस्कुलर रगड़ गाड़ी जो खेड़ो वाड़ों में रहते हैं लोग विलेज एरिया में, वैसे की वैसी डाल दी गई है, दे दी गई है। यहाँ पे जो रियर एसी वेंट्स की देख सकते हो, एसी की जो कंट्रोल्स है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वही कभी यूनिट डाल दिए गए हैं महिंद्रा ने। और क्या कहती है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट देख सकते हो। और यहाँ पे है जो अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, लेकिन थाई सपोर्ट की अगर बात करते हो, मेमोरी फंक्शन तो यहाँ पे नहीं आते, बीच वाला रेंट देख रहे हो तो थाई सपोर्ट अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन अगर नी रूम की बात करते हो या फिर पीठ कमर दर्द आपको हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो 60-40 बेंच फोल्डिंग सीट है, यहाँ पे थोड़े कंजेस्टेड एरिया है, अगर हार्ट फंसाने को प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं पीछे अगर कर दूँ ये सीट तो थोड़ी बहुत यहाँ पे पीछे हो गई देखो सीट, लेकिन नेक में थोड़ा बेंड वगैरह नहीं आएगा। लेकिन अगर थाई सपोर्ट की बात करते हो तो 6 फीट के ऊपर वाला अगर बंदा हो और इसमें बिठाया जाए दे दिया जाए, और ये अगर ड्राइवर पूरी पीछे करता है तो थोड़ा बहुत जो घुटने टिकने के चांसेस हो जाते हैं होते हैं, ऐसे कुछ दे दी गई गाड़ी प्रैक्टिकल ऑफर करती है। ग्रैब हैंडल यहाँ पे है, चारों के चारों बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, मतलब पीछे भी बॉटल होल्डर होता तो अच्छा होता, वो भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन चार चार जो है आपको बॉटल होल्डर अगेन मिल जाते हैं। ग्रैब हैंडल क्रोमिंग के साथ आपको अगेन मिल जाता है। सीट बेल्ट है, रिमाइंडर है, सारे एयरबैग्स की वार्निंग है। फुटरेस्ट काफी अच्छा बना दिया गया है स्पेस वाइज अगर बात करते हो। अगर ऐसी हट्टी कट्टी बहुत ही ऊंची गाड़ी में अगर चढ़ना होना तो ऐसे कंपनी ने जो प्रैक्टिकल व्हीकल बनाया है यहाँ पे आप देख सकते हो, ग्रैब हैंडल ऐसे पकड़ो और ऐसे राजे जैसी अंदर जाके बैठ जाओ, ऐसे कुछ दे रखा है। लेकिन स्कॉर्पियो एन की अगर बात करते हो, सीधी अराइवल तो नहीं हो पाती, बहुत कम प्राइस पड़ जाती है अगर फॉर्च्यूनर से उसको कंपेयर करते हो तो, लेकिन 57 लाख के फॉर्च्यूनर से कंपेयर करते हो और प्रैक्टिकल होते हो कि आप ऐसे फीचर चाहते हो, फीचरिस्टिक गाड़ी चाहते हो तो स्कॉर्पियो एन की तरफ जा सकते हो। लेकिन फॉर्च्यूनर से कंपेयर करते हो ना तो फॉर्च्यूनर से भी आपको यहाँ से उठा दी गई यार गाड़ी, बिग डैडी जो कहते हैं ना, इसके सामने अगर रहते हो गाड़ी के तो आपको पता चलता है। तो अभी आते हैं पीछे वाली रो में, तो पीछे वाले रो की तरफ यहाँ पे जगह जगह आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। यहाँ पे बीच वाला वेरिएंट है, यहाँ पे देख सकते हो एमहॉक डीजल इंजन 2.2 लीटर, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे है, यहाँ पे पीछे लगाया दिया है। क्रोमिंग की स्ट्राइप जाती है अच्छी खासी, जो है वो आर्मी कलर यहाँ पे देख सकते हो, और महिंद्रा का नया लोगो स्कॉर्पियो एन लिखा है। अभी मैं ये खोलता हूँ बूट,
रियर में ना थोड़ा सा आपको एक पार्किंग सेंसर मिल जाता है, अच्छी खासी क्वालिटी आपको ऑफर करती है। चारों के चारों पार्किंग सेंसर्स आपको सरकार मैंडेटरी मिल जाते हैं, यहाँ पे क्रोमिंग की हाईलाइट यहाँ पे मिल जाती है। अंदर अगर मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे देख लो काफी हद तक स्पेस भरा पड़ा है। यहाँ पे जो है वो सीट्स अच्छी खासी रहती है, लेकिन प्रैक्टिकल जो व्हीकल 5 सीटर ही है, 7 सीटर अगर चाइल्ड रो ही है, मतलब जो कंपनी को रहता है ना एक टारगेट रहता है, वो कर नहीं पाई इतनी यार। महिंद्रा XUV 7 डबल में ठीक ठाक होल्ड करके रह पाते थे, लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हो ना तो थोड़ा बहुत आपको स्पेस की कमी रहेगी। चाइल्ड रो की अगर बात करते हो चाइल्ड वगैरह बैठ सकते हैं, लेकिन बड़े अच्छे खासे फिजिक वाले बंदे नहीं बैठ सकते इस गाड़ी में। ठीक ठाक आपको करती है गाड़ी स्पेस। अगर ये अगर बेंच फोल्डिंग कर दो, ये अगर सीट ये अगर करते हो बेंच फोल्डिंग, तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। 2,000-2,000 लीटर के आपको जो है वो बैग वगैरह सामान वगैरह भी रख सकते हो, अगर ये वो बेंच फोल्डिंग करते हो तो अच्छा खासा आपको स्पेस मिलता है। तो ऐसी है स्कॉर्पियो वैन, जो अगर रियलिटी में बोलते हो तो पीछे से इतनी मस्कुलर, इतनी ऊंची लंबी चौड़ी दिखती है ना आपको, तो बहुत ही अच्छी आपको दिख पाती है। और ये देख लो 5'7" मेरी हाइट है, कि यहाँ पे टेक पाता हूँ मैं, लेकिन गाड़ी वहाँ तक ऊपर तक चल जाते हैं। 1 सिंगल शार्कफिन एंटीना रूफ रेलिंग के साथ आपको बेस वेरिएंट भी उठाते हो तभी आपको दिख पाती है। और जैसे ही ये गाड़ी लॉन्च होने के बाद, XUV 7 डबल लॉन्च होने के बाद, ये गाड़ी जब लॉन्च हुई ना तो गाड़ी ने मतलब पूरा मार्केट ही हिला दिया यार। मतलब इसके स्कॉर्पियो के लवर ही इतने अच्छे खासे हैं, बहुत सारे, तो आप बोलो ही मत। अलग ही पैटर्न है, अलग ही चेंज आपको नज़र आता है। डे टाइम रनिंग लाइट आपको जगह जगह मिलते हैं, सिंगल प्रोजेक्टेड लाइट के साथ आती है, जो है वो दो अपर और डिपर दोनों के दोनों, हाई बीम और लो बीम, आपको सिंगल प्रोजेक्टर LED के साथ मिल जाते हैं। HID यहाँ पे लगी हुई है, जो डे टाइम रनिंग लाइट मिरर जो लाइट्स है LED, जो यहाँ पे स्ट्राइप देख सकते हो। क्रोम फिनिशिंग अच्छी खासी कर दी, और आगे से यार क्या रोड प्रेजेंस है देख लो, राजे जैसी लगी। झंडा वंडा डाल दोगे ना राजे जैसी लगेगी। और जो साइड प्रोफाइल की अगर बात करते हो तो एक फुटरेस्ट यहाँ पे मिल जाता है, स्कोपलेट यहाँ पे मिल जाती है। टायर प्रोफाइल सच में बता रहा हूँ, XUV के और इसमें कंपेयर करते हो तो अच्छा खासा आपको टायर प्रोफाइल मिल जाता है। तो ऐसी है महिंद्रा की स्कॉर्पियो वैन, कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल आया था कोल्हापुर शोरूम में, महिंद्रा के शोरूम में, इतनी ऊंची स्पेशियस गाड़ी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो कैसी लगी स्कॉर्पियो वैन मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे ऐसे अंदर स्पेशियस आपको नजर आती है, बहुत ऊंची है, स्पेशियस है। सनरूफ आपको टॉप एंड वेरिएंट में छोटा सा मिल जाता है, यहाँ पे है वो बीच वाला वेरिएंट है, सनरूफ की जगह है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। छोटा मोटा मतलब देने की कुछ हाईलाइट कोशिश की है, मुझे मेरे ख्याल से नहीं देते स्कॉर्पियो वैन में ना तभी भी चलता। स्कॉर्पियो वैन की यहाँ पे भी बेजिंग देख सकते हो, लेदर रैप फिनिशिंग वगैरह की गई है। फुटरेस्ट लगेंगे ही गाड़ी को, लग जाएंगे, क्योंकि ये फुटरेस्ट अगर नहीं होते ना गाड़ी को, XUV 7 डबल से भी ऊंची है गाड़ी, तो हट्टी कट्टी गाड़ी होने के कारण छोटे वगैरह हाइट के बंदे अगर बिठाया दे जाए ना तो उसको चढ़ने की नौबत आई, तो फुटरेस्ट चाहिए ही चाहिए। बॉटल होल्डर वगैरह देख सकते हो, और ऐसे कुछ स्कॉर्पियो वैन लिखा हुआ है, बैजिंग आती है, जो मकड़ी होती है ना इससे इंस्पायर ये गाड़ी यार, मतलब स्कॉर्पियो मकड़ी ऐसे कुछ। यहाँ पे जो है लेदर स्ट्राइप जाती है, सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ लेदर फिनिशिंग के साथ आती है, और आगे से मस्त लग रही है। मतलब पहले वाले जो अगर क्लासिक बोले महिंद्रा से अगर स्कॉर्पियो से कंपेयर करते हो, इससे सोनी के स्पीकर वगैरह, यहाँ पे सोनी की ब्रांडिंग वगैरह, मतलब आज तक कंपनी आजकल कर क्या रही है, चेंजनेस हो रहा है, चेंजिंग हो रहे हैं, मतलब स्पीकर की कंपनियाँ भी अपना ब्रांड बना रही है गाड़ी को अटैच होके। ऐसे कुछ मॉडर्निस्टिक फीचरिस्टिक गाड़ियाँ है। यहाँ पे जो थार में यूनिट्स है ना, वैसे के वैसे सिमिलर यूनिट आपको देखने को मिलते हैं, 6-speed ऑटोमेटिक 2.2 liter एमहॉग डीजल इंजन, 6-speed CVT के साथ आप देख सकते हो। ठीक ठाक है, ऑटोमेटिक गाड़ी है, क्या करोगे, एक बार ले लोगे ऑटोमेटिक हो जाएगी। फास्ट चार्जिंग यहाँ पे है, नॉर्मल चार्जिंग वहाँ पे, जो है वो ऑटोमेटिक ड्यूअल जोन आपको, जो सिंगल ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको AC के मिल जाती है। मैक्स वगैरह करने के लिए, ऑटो वगैरह करने के लिए सबके सब फंक्शन यहाँ पे दे दिए गए हैं, और वही फंक्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। डिफरेंशियल लॉक सिस्टम वगैरह नहीं मिल पाती, क्योंकि ये 2-wheel drive देख रहे हो, ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन नहीं आता इसमें, 4-wheel drive ऑप्शन आता है। ग्लोव बॉक्स अच्छा खासा है, थोड़ा बड़ा दे दे तो अच्छा होता, ठीक ठाक आपको ऑफर कर दिया। पियानो ब्लैक फिनिशिंग जगह जगह है। तो ऐसी कुछ स्कॉर्पियो वैन है, दिखने में स्पेशियस, मस्कुलर, हट्टी कट्टी ऐसी है। तो अगर आप स्कॉर्पियो वैन के सामने आते हो ना, तब आपको ये पता चलता है कि बिग डैडी क्यों बनाया गया है इसको, और क्या नाम है। थोड़ा ऑटोमेटिक जो IRVM की बात अगर करते हो तो अच्छा होता होते, तो बाकी आपको अडैस वगैरह इस गाड़ी में नहीं मिल पाते। गाड़ी तो मैं खैर लाइट बंद कर लेता हूँ क्योंकि चालू रहेंगे। तो ऐसी है कुछ स्कॉर्पियो वैन, कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। सच में रियलिटी में और बिग डैडी बोलते हो ना तो पता चलता है सामने आकर गाड़ी के कैसी है बिग डैडी। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो
लाइक करना मुझे भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मुझे भूलिएगा OMY07 चैनल को। फिलहाल आया था कोल्हापुर शोरूम में, तो यहाँ पे मैंने गाड़ी दिखाई महिंद्रा के शोरूम में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बुकिंग ऑलवेज अवेलेबल है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।